दोस्तों आज की कहानी है बहू तेरा मायका तू गरीब है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पढ़ाई पूरी होते ही माता पिता ने सुहानी की शादी मयंक के साथ कर दी। मयंक का परिवार एक संयुक्त परिवार था। शुरू में कुछ दिन तो सही चला, लेकिन जल्दी ही सुहानी को घर एक जेल खाने की तरह लगने लगा। वह यूं सुहानी शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी। रिश्ते के समय तो सास ससुर ने कह दिया कि हमें बहू के नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब भी वह नौकरी के लिए कहती हमेशा उसे मना कर दिया जाता। सुहानी भी ये सोच कर चुप हो जाती कि कुछ दिन घर में सब के साथ एडजस्ट हो जाऊं, फिर मयंक से बात करेगी। धीरे धीरे सुहानी को महसूस होने लगा कि घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। घर के सारे काम की जिम्मेदारी सुहानी के ऊपर थी। वह अपने आप से कोई निर्णय नहीं ले सकती थी, ना ही वह अकेले घर के बाहर जा सकती थी। अगर वह मयंक से खर्च के लिए पैसे मांगती तो भी उसको मना कर दिया जाता। मयंक अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ पर रखता। सुहानी एक एक पैसे को मोहताज रहती। एक दिन सुहानी की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके अंदर खून की कमी की वजह से कमजोरी आ गई है। खान पान का ध्यान रखना होगा। सुहानी ने मयंक से कह कर कुछ फल मंगवाए तो मयंक ने फल लाकर माँ को दे दिए कि सुहानी को दे देना, और मयंक दोस्तों के साथ बाहर चला गया। मयंक के बाहर जाने के बाद जब सुहानी रसोई में फल लेने आई तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास बोली, कभी अपने बाप के घर भी देखे हैं फल? जो या तुम्हें फल खाने को चाहिए, रसोई में रोटी रखी है, खाकर जरा काम कर लो महारानी। तुम्हारे मायके की औकात है नौकर रखने की? जो या तुम नौकरों के भरोसे आराम फरमाती हो, आए दिन अपने मायके को गरीब कहलवाना सुहानी से बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि ससुराल बहुत अमीर थी, लेकिन ना जाने क्यों शादी के बाद ससुराल वालों को बहू के ऊपर खर्च करने के नाम पर लड़की वाले गरीब मजदूर दिखाई देने लगते हैं। अब बात सुहानी की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी।
वह बोली, माजी मेरे माता पिता कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन दूसरे घर से आई एक बेटी को इतना दुखी नहीं करती, ना ही उसे भूखा रखते हैं। अगर मेरे घर वाले इतने गरीब थे तो क्यों आए थे मेरा हाथ मांगने? क्योंकि उस समय आपको मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दिखाई दे रही थी। आपके बेटे के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। जो रिश्ते आए वो इस घर की हालत देखकर अपनी लड़की इस घर में देने को तैयार नहीं हुए। मेरे पिता के सामने आपने अच्छा होने का ऐसा जाल फेंका कि मुर्गी उसमें फंस गई। मेरे पिता ने सोचा था कि लड़का मेहनती है, आज नहीं तो कल दोनों मेहनत करके इस घर की हालत सुधार लेंगे। लेकिन आपको शायद डर था कि मुझे आप लोगों की असलियत ना पता लग जाए, इसलिए आप लोग मुझे अकेले नहीं जाने देते थे और ना ही नौकरी करने देते थे, क्योंकि मेरे पिता तो आपको कभी त्योहार के नाम पर और कभी किसी और खुशी के नाम पर कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, अब ये सब और नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, जा सलीजा, हम भी देखते हैं एक परित्यक्ता लड़की को माँ बाप कितने दिन अपने घर रख पाते हैं। उसकी सास बोली, एक बार तुम इस घर से बाहर निकली तो मुझसे कोई उम्मीद मत करना। मयंक बोला, जो अभी घर में आया था और सारी बात सुनकर भी वह चुप खड़ा था, चिंता मत कीजिए माँ जी, मेरे पिता का दिल इतना छोटा नहीं। वैसे भी मेरे पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी पर बोझ ना बनूं और सारी जिंदगी बेइज्जती सहकर आपका घर भरने से अच्छा है कि वो अपनी लड़की के जीवन यापन का इंतजाम करेंगे। और मिस्टर मयंक, तुमसे तो मुझे पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, तो अब क्या करूंगी? तुम बस अपनी माँ का पल्ला पकड़कर आराम से रहो, कहकर सुहानी ने अपना सामान समेटा और निकल गई उस घर से। वह पलटकर उस घर की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। शहर से बाहर आकर उसने टैक्सी वाले को रुकने को बोला, भैया एक मिनट। टैक्सी से उतरकर उसने शहर की तरफ देखा। इस शहर ने उसकी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। और वह सल दी अपनी मंजिल की ओर।